जी सामने को व्यूअर्स कल चले आपके होप्स तो घर से होंगे। तो आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाली नई कंपनी के बारे में, नई कंपनी की आने वाली दो नई क्रॉसओवर एसयूवीज के बारे में। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में आने वाली नई कंपनी चेरी के बारे में। चेरी रिसेंटली चेरी ने अपनी पाकिस्तान में दो क्रॉसओवर एसयूवी को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया है और डिस्प्ले कर दिया है, जिनमें चेरी टीगो 4 प्रो और चेरी टीगो 8 प्रो है। ये दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दी गई हैं और उनके डिस्प्ले यूनिट भी पाकिस्तानी मार्केट में आ गए हैं। तो आज इन दोनों गाड़ियों के स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इनकी प्राइस और उसकी बुकिंग के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे चेरी टीगो 4 प्रो के बारे में। तो ये गाड़ी जो सी है, ये 5 सीटर एसयूवी क्रॉसओवर एसयूवी के तौर पर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है और जो इसके डिस्प्ले यूनिट आए हैं दोनों सीबी यूनिट पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए हैं। और चेरी का कहना है कि पाकिस्तान में ये सीबी यूनिट पाकिस्तान में लॉन्च करेगा, इधर ही असेंबल करके इधर ही गाड़ी बना के और फिर डिलीवर करेगा, सीबी यूनिट इंपोर्ट नहीं करेगा। तो चेरी टीगो 4 प्रो के बारे में बात करते हैं। तो इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा मैं गाड़ी के थोड़े से इंजन से स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी में 1500 cc का नेचुरल एस्पिरेटेड इसमें इंजन देखने को मिल जाएगा। 5 सीटर ये गाड़ी है। उसके अलावा गाड़ी का जो एक्सटीरियर है बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन किया गया। गाड़ी में बेसिक सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी में LED लाइट्स इसमें देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा फॉग लाइट्स भी गाड़ी में दे दी गई हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो उस गाड़ी में 12 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट टायर भी प्री इंस्टॉल गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। ऑटो डिटेक्टेबल मिरर्स गाड़ी में दे दिए गए हैं। उसके अलावा LED टर्न सिग्नल और बैक में भी इसमें LED में टेल लाइट्स इसकी देखने को मिल जाती हैं। और बाकी उसके अलावा गाड़ी में पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा व्यू, बेसिक सारे फीचर जो आजकल SUVs में आ रहे हैं, क्रॉसओवर SUVs जितनी भी कंपनीज की SUVs उसमें आ रहे हैं, वो सारे बेसिक फीचर्स में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके थोड़े इंटीरियर की बात करते हैं तो 7 इंच का इसका MID और 10.25 इंच का इसका इन्वर्टर सिस्टम गाड़ी में देखने को मिल जाता है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी के गियर की बात करें तो गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन गाड़ी में देखने को मिल जाती है। 17 इंच की गाड़ी में अलॉय व्हील्स जो मैंने आपको बताया इसमें प्री इंस्टॉल दे दिए गए हैं, 17 इंच के व्हील देखने को मिल जाते हैं। और गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में ABS के साथ साथ फ्रंट और बैक दोनों में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं और टियागो 4 प्रो में टोटल 4 एयरबैग्स गाड़ी में दे दिए गए हैं और 6-way एडजस्टेबल इसकी ड्राइवर और 4-way एडजस्टेबल इसकी पैसेंजर सीट इसमें गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा गाड़ी में लेग स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन किस्म की इसकी रखी गई है और बैक में जो इसकी भी स्पेस है वो भी काफ़ी डिसेंट है। गाड़ी को 5 सीटर होने की वजह से गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। ISOFIX चाइल्ड सेफ्टी एंकर्स भी गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा गाड़ी में क्रूज सनरूफ के साथ साथ इसमें सारी इसमें बेसिक फीचर इसमें गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। तो अब चेरी की दूसरी SUV के बारे में बात करते हैं, चेरी टीगो 8 प्रो के बारे में। इस गाड़ी ने 1600 cc का इंजन इसमें दे दिया गया है जो कि 195 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 290 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और उसके अलावा 7-speed गाड़ी में डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो भी काफी टियागो से मिलता जुलता है, टियागो 4 से। बाकी जो उसका एक्सटीरियर है वो भी खूबसूरत एलिगेंट किस्म का इसका एक्सटीरियर डिजाइन किया गया है। टेट्रा इसमें LED देखने को मिल जाती है। बैक में इसमें अलावा इसके लाइट्स इसमें दे दी गई है। उसके अलावा गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ के अलावा रूफ रेस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। साइड सारी ओवरऑल इसमें ब्लैक मोल्डिंग इसमें चलाई गई है, ब्लैक कलर की प्लास्टिक में। और उसके अलावा जो उसका एक्सटीरियर है बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका एक्सटीरियर डिजाइन किया गया है। और इसके इंटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर भी इसका बहुत प्यारा है। इसका स्टीयरिंग में मल्टीमीडिया के कंट्रोल दे दिए गए हैं। गाड़ी में क्रूज देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात करें तो 7-speed डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसका MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 7 इंच का इसका MID और 10.5 इंच का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के भी फीचर्स गाड़ी में मिल जाते हैं। उसके अलावा गाड़ी में टोटल 3 ड्राइविंग मोड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इको, स्पोर्ट और नॉर्मल मोड 3 मोड गाड़ी में दे दिए गए हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स की बात करें तो इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। और सेफ्टी फीचर्स की तरफ आए तो गाड़ी में ABS के साथ साथ हिल असिस्ट कंट्रोल, उसके अलावा लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स, 360 व्यू कैमरा और गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। और गाड़ी की AC की बात करें तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसकी 6-way ड्राइवर और 4-way पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिल जाती है। और सबसे आखिर में गाड़ी की प्राइस के बारे में बात कर लें तो अभी तक जो इसकी प्राइस है वो रिवील नहीं की गई, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो मेरे ख्याल से 45 से 50 लाख के दरमियान हो सकती है टीगो 4 प्रो की। और जो टीगो 8 प्रो है उसकी प्राइस के बारे में बात करें तो वो 60 से 65 लाख के दरमियान इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस है रखी जा सकती है। बाकी ये देखना है इसकी और जो ऑफिशियल प्राइस है वो अभी तक लॉन्च नहीं की गई और उसकी ऑफिशियल प्राइस क्या रखी जाती है। और इनके कंपेटिटर की बात करें तो इसमें किया स्पोर्टेज है, MG है, हुंडई है, उसके अलावा ग्लोरी है, उसको काफ़ी टफ टाइम देने में कामयाब हो सकती है कि नहीं, ये तो उसकी डिलीवरी के बाद जब ये रोड पे आएगी उसकी तब इसके प्रोज एंड कॉन्स का पता लगेगा।
और सबसे आखिर में मैं इसकी डिलीवरी और लॉन्च डेट की बात कर लूँ तो गाड़ी को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया और इस डिस्प्ले यूनिट भी पाकिस्तान में शो ऑफ कर दिए गए हैं, लेकिन ताहाल इसकी बुकिंग स्टार्ट नहीं की गई। और जैसे कि इसकी बुकिंग के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और हम जल्दी कोशिश करेंगे इसका फर्स्ट लुक डिटेल रिव्यू जो इसके डिस्प्ले यूनिट है उसका आपके लिए देके आए। कल ही हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम हाजिर होंगे एक नई और बेहतर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।